नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल चले पे। और आज हम NCERT सिविक्स क्लास 7th के सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। और इस चैप्टर का आज का हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वीडियो है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएँ। तो हमने दो बच्चों के माध्यम से जाना कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग सेवाएं ली, और हम आज उसी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो कर सकते हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो सबसे पहले हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को जानते हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि वे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करते हैं। और जो सभी बीमारियां हैं, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली जो बीमारियां हैं, उनका इलाज ये प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहाँ एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है, और इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। और ये ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टर हैं, उनकी देखरेख में ये कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँव की ज़रूरत को पूरा करता है। वही जो जिला स्तर पर होता है, वो जिला अस्पताल होता है, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया जाता है, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिसका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। देखिए, चलिए हमारा एक और मुख्य बिंदु है कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। तो सरकार को कर देने के बहुत सारे फायदे हैं, आइए हम उसे जानते हैं। तो सरकार कर से प्राप्त धन का जो उपयोग है, वो विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने के लिए खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। तो जो सबसे पहले है वो है प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि। ये कुछ सेवाएं हैं जिनसे सभी नागरिकों को लाभ होता है, या फिर इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे सरकार को करनी पड़ती है। जो दूसरा है, करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम और सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे ज़रूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलता है, और करों से प्राप्त धन का उपयोग इसमें होता है। जो नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट, वो है कि कुछ प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत और पुनर्वास, मतलब फिर से उसको बसाने के लिए भी इन करों का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु और प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी कर के द्वारा ही प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार जो है वो खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाज़ार से नहीं खरीद पाते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, है ना। तो इन सभी को कहाँ उपयोग किया जाता है, तो जो सरकार जनता के द्वारा टैक्स वसूल करती है, उनको ये इन्हीं सब कार्यों में लगाती है। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो कई कारणों से सार्वजनिक इन्हें कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वो वचनबद्ध है, और इसे पूरा करने के लिए ये अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस समय कह सकते हैं कि धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये जो सुविधा है वो सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही कम कीमत पर सरकार देती है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। तो इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है।
अन्यथा यह असफल हो जाएगी। जैसे कि मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर और घर की छतों पर पानी एकत्र ना होने दें। और यहाँ पर फिर से आपको याद दिलाया जा रहा है कि हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद कीजिए और आप जानना चाहते हैं कि उस मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, क्योंकि हाकिम शेख ने कोर्ट में केस किया था। तो हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है। तो सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है, है ना। तो अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज नहीं करता है तो इसका मतलब यह होता है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जो जिम्मेवारी है वो पूरी करनी चाहिए। और वहीं कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया, तो इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हाकिम शेख के द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। अब देखिए यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं और यह बता रहा है कि एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक महिला बैठी हुई है। और यूनिसेफ के अनुसार हर साल 20 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है, मतलब जिसे रोका जा सकता है लेकिन फिर भी 20 लाख बच्चे इससे मर जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमने सार्वजनिक या फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं को जाना, अब हम निजी स्वास्थ्य सेवाओं को जानते हैं। तो हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में जो डॉक्टर है वो अपने खुद के दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंजीकृत चिकित्सा है व्यवसायी, मतलब RMP, ये मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर है जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और जो नर्सिंग होम भी है इसमें शामिल है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है, विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे कि एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड, ये सभी। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। देखिए जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवाओं के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, मतलब बहुत पैसे लगाने होते हैं। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल में चलाती है और कुछ कंपनियां जो है वो दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हुई है। शहरों के कोने कोने से दवाइयों की दुकान आप देख सकते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध है? तो देखिए हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है लेकिन सार्वजनिक नहीं। तो ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है और ये शहरी क्षेत्रों में ही है। ये जो सेवाएं है वो लाभ कमाने के लिए ही खोली जाती है या फिर चलाई जाती है, इसलिए इन सेवाओं का मूल्य भी काफ़ी अधिक होता है। दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती है, बहुत से लोग उसे खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए जब परिवार में कोई बीमार होता है तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता है अपने इलाज के लिए। तो अधिक पैसा कमाने के लिए निजी सेवाएं प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार क्या होता है कि सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी उसका उपयोग नहीं किया जाता है।
जैसे कि प्रायः यह देखा जाता है कि बहुत से बिना जरूरत के दवाइयाँ, इंजेक्शन या फिर स्लाइन बॉटल आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण दवा या गोली ही पर्याप्त हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र है और ग्रामीण इलाकों में यह दिखाया जा रहा है कि एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। फिर एक आप चित्र देखिए, इसमें एक गर्भवती औरत है और यह एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल इन्हें चलना पड़ता है। देखिए बात यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं, और वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या फिर चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या फिर वो अपने कुछ संपत्ति को बेच देते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी जो है वो चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले भी पोषण की कमी का शिकार होते हैं और ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। जीवन की जो आधारभूत आवश्यकता है, जैसे कि पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण, ये भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए उनके बीमार पड़ने की जो संभावना है वो अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी जो हालत है वो और भी ख़राब हो जाती है। तो कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है, या फिर कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र की कमी है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं, वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की जो दशा है वो अच्छी नहीं है, और यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का जो स्वास्थ्य है, जितना जीवन की आधारभूत सुविधाएं हैं और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी निर्भर है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर काम करने की ज़रूरत है। और ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? तो चलिए हम पहले केरल से जानते हैं। तो केरल का एक अनुभव यहाँ पर बताया जा रहा है। पहले आप केरल को देख लीजिए, जो आपको पिंक या रेड कलर में दिख रहा है वो केरल है, भारत का जो मैप है। देखिए यहाँ पर 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को इसने दे दिया, और इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों की विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। तो इसके परिणाम स्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ी के काम को सुनिश्चित किया गया, गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। तो इन सभी कार्यों में स्थिति में सुधार आया, और इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएँ तो बनी ही रही, जैसे कि दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना। तो इन समस्याओं को दूर करने की अभी भी आवश्यकता है, ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर बता रहा है, मुख्य बिंदु काफ़ी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट बिंदु है, कि आंध्र प्रदेश से राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को जो तेलंगाना है वो भारत का 29वां राज्य बना। ये हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसे नोट करें। नेक्स्ट हम एक कोस्टारिका, ये देश उसका हम जानते हैं, उसने क्या परिवर्तन किया, उसका क्या तरीका था,
तो ये जो है कोस्टारिका, ये दक्षिण भारत का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, और इसका मुख्य कारण है उसके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले इसने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश में सेना को नहीं रखेंगे, और इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। यहाँ की जो सरकार है वो मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर उसने बहुत ध्यान दिया। यहाँ की जो सरकार है अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे कि पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो इस तरह से जो हमारा अध्याय दो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, आज यहीं पर समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय तीन को पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले। धन्यवाद।